ओके सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों को एक बार फिर से डेमन किंग गेमिंग की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। जहां गाइस आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं अपना नया रोल अपग्रेड सिस्टम। जी हाँ गाइज, अपना एक नया रोल अपग्रेड सिस्टम आया जिसकी वजह से तुम्हारे रोल्स को कुछ नई एबिलिटीज मिल जाएंगी। तो बिना टाइम को वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो करो हमारा। तो ये वाला जो पूरा का पूरा अपना रोल अपडेट सिस्टम आया है, ये सारे रोल्स के लिए नहीं आया, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही रोल्स के लिए अभी तक अवेलेबल है, जिसमें ये क्या करते हैं, ये हमारे रोल्स को एक स्पेशल एबिलिटी दे देते हैं जिसकी मदद से हमारे रोल का गेम जीतना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे पहला जो अपना रोल जिसका अपडेट आया है वो है शेरिफ। अब अपने शेरिफ का जो स्पेशल स्किल है, उस स्पेशल स्किल से इसको एबिलिटी मिल जाती है कि ये अपने स्पेस क्रू पे भी ट्राई ले सकता है, बट 10% चांसेस होंगे कि ये उस ट्राई के बाद बच जाए। वहीं इसके जो एक और मॉड्यूल है उसकी मदद से इसके 20% सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। और साथ ही साथ इसका जो सेकंड मॉड्यूल है उसके बारे में मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार ये क्या बोलना चाह रहे हैं, बट इसमें यकीनन ये कुछ तो बोलना चाह रहे हैं। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट अपडेट आया है वो अपडेट आया है ग्लूटोनी में, और ये अपडेट मुझे सबसे ज़्यादा तगड़ा लगा। सबसे पहले तो इसका वॉइड स्टमक, जिसमें अगर ऐसा कुछ होगा, अगर इसके पेट में 3 बंदे होंगे तो इसका जो है कूलडाउन 15 सेकेंड डिक्रीज हो जाएगा। ये इसकी वॉइड स्टमक वाली एबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद ये जो है वेंट का यूज़ कर पाएगा इस मॉड्यूल के चलते, यानी अपना ग्लूटोनी भी अब से वेंट कर पाएगा। वहीं इसके सेकंड मॉड्यूल के चलते तुम लोग जो है बैन कर सकते हो सैबोटाज को, अगर कोई भी स्पेस क्रू नहीं बचा, जैसे कि कई बार गेम में होता है कि सिर्फ सिर्फ ग्लूटोनी और इम्पोस्टर बचते हैं और अपना इम्पोस्टर जो है सैबोटाज दे देता है। तो हाँ, ऐसे में तुम उस सैबोटाज को ही बैन कर सकते हो और इम्पोस्टर सैबोटाज नहीं दे पाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो मॉड्यूल मतलब स्पेशल स्किल आता है वो आता है अपने स्नाइपर में, जिसकी मदद से तुम्हारे जो है टॉप गन एक एबिलिटी अनलॉक होगी, जिसकी मदद से तुम्हारा 1.5 गुना विजन बढ़ जाएगा। साथ ही साथ शॉर्ट एन एरो हो जाएगा, यानी एरो तुम्हारा सिर्फ सिर्फ 1 सेकंड का रह जाएगा या फिर 1 सेकंड शॉर्ट हो जाएगा, ऐसा इसका कुछ मतलब है। जैसे कि तुम्हारा एरो आता रहता है ना, तो वो एरो कम हो जाएगा। इसका सेकंड मॉड्यूल जो है उसकी मदद से तुम लोग जो है मूव कर सकते हो अपने स्काउट की तरह, अपनी स्नाइप एम लेते हुए, जैसे कि अपना स्काउट मूव कर सकता है वैसे ही तुम लोग इस पॉइंट पे भी मूव कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम इसकी ट्रेनिंग करा दो, क्योंकि मुझे इसका मॉड्यूल पूरी तरीके से खोलना है। भाई 65 टोकन्स लगने वाले अपने मॉड्यूल वाले। तो हाँ, ये अपना टाइम अपने स्नाइपर का जो है स्पेशल स्किल होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट स्पेशल स्किल आया टाइम मास्टर का। अब इसके मास्टर ऑफ टाइम वाली जो एबिलिटी है वो मुझे समझ में नहीं है, तुम लोग मेरे को आराम से समझा सकते हो। यहीं इसकी टाइम शील्ड सीडी, अब मुझे ये नहीं पता कि ये टाइम शील्ड सीडी क्या है, कैसे काम करेगा, बट हाँ ये कुछ तो 35 सेकेंड टाइम को जो है मतलब अपने कूल डाउन को रिड्यूस करेगा। तो हाँ, इसकी एक जो है मॉड्यूल वो ये है, और इसका जो सेकेंड मॉड्यूल है उसकी मदद से तुम लोग 5 सेकंड की जगह 8 सेकंड अपना टाइम रिवाइंड कर सकते हो। जैसे अपना टाइम मास्टर से बस 5 सेकंड ही कर पाता है, अब तुम 8 सेकंड कर पाओगे। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट स्पेशल स्किल आया हुआ है अपने ब्लैक जैक का, फियरलेस गैम्बलर, जिसकी मदद से क्या होगा, 10% चांसेस तुम्हारे जीने के बचेंगे अगर तुम गलत गैस लेते हो। इसके बाद इसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसके में ये होगा कि अगर तुम किसी को गलत गैस लेते हो तो तुम्हारे 20% चांसेस होंगे बचने के। और अपना जिसका सेकंड मॉड्यूल है उसके चलते तुम लोग अगर पिछली मीटिंग में सही गैस ले लेते हो तो तुम लोगों को नेक्स्ट मीटिंग में 2 बंदों को गैस करने का चांस मिलेगा। तो हाँ, अपने ब्लैक जैक की भी लेवल अब मेरे को ऐसा लगता है कि अप करनी पड़ेगी। अब अपना नेक्स्ट स्किल आता है वो आता है अपने कैमेलियन का। अब नेवर सीन अगेन में ऐसा कुछ होगा जब तुमने अपना जो है इनविजिबल वाला बटन होता है क्लॉक पे जब क्लिक करोगे तो तुम किसी को भी नजर नहीं आओगे अगर तुम कोई मूवमेंट नहीं करते हो। अब मूवमेंट क्या होती है वो मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। अगर तुम कोई भी जिमिक यूज़ नहीं करते हो, वेंट यूज़ नहीं करते हो और अपना किल बटन यूज़ नहीं करते हो तो तुम लोग किसी को भी नजर नहीं आओगे। इसका फर्स्ट मॉड्यूल है टर्न इनविजिबल फॉर 2 सेकंड आफ्टर किल, यानी तुम जब भी किसी को किल करोगे तो तुम 2 सेकंड के लिए इनविजिबल हो जाओगे उस पॉइंट पे, उसके बाद तुम अपने क्लॉक का यूज़ करके भी आराम से गायब हो सकते हो। उसके बाद इसका जो सेकंड मॉड्यूल है उसकी मदद से इसकी स्पीड 150% बढ़ जाएगी ये जब भी गायब होगा। तो हाँ, क्लॉक यूज़ करने के बाद ये वाली एबिलिटी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसके बाद अपना नेक्स्ट स्पेशल स्किल आया अपने डॉक्टर का, जो कि अपने डेड बॉडी को शील्ड दे सकता है,
जी हाँ गाइज, वो जब शील्ड देगा तो उसकी मदद से कोई भी उस डेड बॉडी को रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसका फर्स्ट मॉड्यूल है, ये जो इसका डेड बॉडी का एरो है वो 10 सेकंड तक दिखाएगा, और एक और इसका मॉड्यूल है जो कि है रिपोर्ट शील्ड, जिसकी मदद से तुम लोग रिपोर्ट मतलब डेड बॉडी को शील्ड दे सकते हो पूरे के पूरे 10 सेकंड के लिए, और उन 10 सेकंड में कोई भी इसकी पास जो डेड बॉडी होगी उसको रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। देन इसके बाद अपना नेक्स्ट अपडेट आया है, वो आया है अपने आर्सनिस्ट में, और इसकी पहली वाली एबिलिटी मेरे को समझ में नहीं आई, बट इसकी जो सेकंड एबिलिटी है वो कुछ कुछ रोल एडजस्टमेंट जैसी है। इसमें होगा क्या कि जिस भी बंदे को तुमने आग नहीं लगा रखी होगी उसके पास तुम्हारा एरो आएगा, जैसे अपने बाउंड टेंटर पे एरो आता है ना कि तुमने इसको मारना है, वैसे इसमें अपना एरो आएगा जब भी तुम्हारे आसपास वो बंदा होगा जिसको तुमने आग नहीं लगा रखी होगी। उसके बाद इसका जो सेकंड मॉड्यूल है उसके चलते तुम लोग जो है किसी भी बंदे को एक सेकंड के अंदर आग लगा सकते हो अगर तुमने 3 से ज्यादा बंदों को आग लगा दी तो। हाँ, ये अपना रोल एडजस्टमेंट या फिर रोल अपग्रेड हो जाएगा अपने आर्सनिस्ट होने के बाद। अब देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाले क्योंकि 65 जो है अपने जो टोकन्स मांग रहे हैं रोल्स वाले, तो हाँ इसमें टाइम तो लगेगा बट मजा जरूर आएगा अपडेट करने के बाद। ठीक है समरिया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अपने नए रोल्स भी आ चुके हैं जो कि नेजा और टाइम असासिन ट्रायल के लिए आ चुके हैं। तो अपने नेजा का डिस्क्रिप्शन कुछ इस टाइप का कि तुम लोगों को अपने सारे के सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, उसके बाद तुम अपनी एबिलिटी का यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें कोई बंदा वोट आउट करने की सोचता है, या फिर तुम अगर वोट आउट हो जाते हो तो उस पॉइंट पर अपनी एबिलिटी का तुम यूज़ कर सकते हो। और नीचे एक छोटा सा कोट है कि देखना कि कौन इम्पोस्टर है, ये नहीं कि तुम सारे के सारे स्पेस क्रूज को ही एलिमिनेट कर दो। तो हाँ, ये भी तुम लोगों को इसमें अपना ध्यान देना पड़ेगा। तो अब ध्यान देने वाली बात है तो क्यों ना हम लोग एक ट्रायल गेम प्ले लगा लें जिसकी मदद से मैं तुम लोगों को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ। सो बेसिकली नेजा जो है जब भी वोट आउट होगा तो जितने भी बंदों ने उसे वोट कर रखा होगा वो उन सबको जला कर राख कर देगा। अब कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग में सारे के सारे लोग ही तुम्हें वोट करते हैं, तो उस पॉइंट पे ये होगा कि तुम उन सबको जला दोगे, और अगर तुम्हें इम्पोस्टर्स वगैरह ने भी वोट कर रखा हो वो सब जल जाते हैं उस मीटिंग में, तो तुम इस वाले गेम को जीत जाओगे। वहीं गलती से अगर इम्पोस्टर ने या फिर कोई ऐसा न्यूट्रल हो जो कि लास्ट मैन स्टैंड रहता हो उसने स्किप करा होगा तो उस पॉइंट पे तुम लोग हार जाओगे और वो वाला बंदा उस वाले गेम को जीत जाएगा। तो मैं इस स्किल को जब भी यूज़ कर सकते हो जब तुम्हें 2 या 3 बंदे ही से वोट करें वोट्स स्किप हो जाए, तो उस पॉइंट पे भी इस स्किल को यूज़ कर सकते हो, बट फर्क इतना है जब तुम इस स्किल को यूज़ करोगे तो उस पॉइंट पे तुम भी उस मीटिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये तो है अपने नेजा का काम, और जब ये आ जाएगा तो हम लोग इसके गेम प्ले में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और अच्छे से उसी पॉइंट पे बात कर लेंगे। और अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रोल जो कि होने वाला है द टाइम असासिन। अब टाइम असासिन के बारे में इन्होंने ये बोला कि सारे के सारे बंदे मारो और सेबोटाज करो गेम जीतने के लिए। उसके साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है कि तुम टाइम स्टॉप कर सकते हो और उसी के साथ साथ किल कर सकते हो, और उसी बीच अगर तुम्हारा अर्जेंट टास्क जो कि तुम लोगों को पता है सेबोटाज वगैरह होते हैं O2 या फिर रिएक्टर का वो हो रहा होगा तो उस टाइम पर उनकी भी टाइमिंग रुक जाएगी, जो उनका टाइमर होता है वो भी रुक जाएगा, और सिर्फ तुम ही होगे पूरे मैप में जो चल रहे होगे। तो गाइस अब हम लोग इसका एक ट्रायल गेम प्ले भी लगा लेते हैं ताकि इसके कूलडाउन वगैरह के ऊपर हम लोग बात कर लें। सो बेसिकली इसका रैंडम रोल में जो कूलडाउन होने वाला है वो होने वाला है 35 सेकंड का, जो कि लिटरली बहुत 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 ही ज़्यादा लंबा है। अब मैंने यहाँ पे अपने कूलडाउन चेंज कर लिया और तुम लोगों को यहाँ पे मेरी घड़ी नज़र आ रही होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा आराम आराम से भर रही है, यानी कि ये समझ लो ये टोटल 40 सेकंड का कूलडाउन अपना होने वाला है। तो इसके साथ तुम लोग एनर्जी ड्रिंक लगा सकते हो ताकि तुम लोगों का किल करने का या फिर टाइम स्टॉप करने का जो टाइमर है कूलडाउन है वो जल्दी जल्दी भर जाए। वेल गाइस, तुम इस टाइम स्टॉप वाली एबिलिटी को 2 बार चार्ज कर सकते हो, और जब भी तुम टाइम स्टॉप करोगे तो 6 सेकंड के लिए टाइम रुक जाएगा, वो सारे के सारे बंदे जो हरकत कर रहे होंगे वो उसी जगह पे एकदम ही चुपचाप खड़े हो जाएंगे, और इसी बीच तुम किल करके वेंट करके भाग सकते हो। तो हाँ, अगर तुमने वेंट के पास में किल करा है तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है इस पॉइंट पे। वेल गाइस, अभी मैं तुम लोगों के सामने यहाँ पे एक स्पेस क्रू डमी को भी स्मॉल कर देता हूँ, और मैं उसको चलते समय टाइम स्टॉप करूँगा जिसकी मदद से हम लोगों को पता चल जाएगा कि चलते हुए जो अपने स्पेसशिप मेंबर होंगे उनके ऊपर क्या होगा। ओके गाइस, तो ये चल रहा था और मैंने टाइम स्टॉप करा और मैं इसे किल करके बिल्कुल ही शराफत से निकल गया, और जब मैंने टाइम स्टॉप करा था तो वो भी उसी पॉइंट पर रुक गया था। तो चलो गाइस, ये था आज का अपना रोल अपग्रेड वाला पूरा का पूरा सिस्टम एक्सप्लेन और साथ ही साथ अपने दोनों नए रोल्स एक्सप्लेन। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पीस आउट।